दिल्ली से माया जी, स्वागत है आपका। मैडम नमस्ते। नमस्कार मैम। हकीम साहब से बात करनी है मुझे। जी बात हो रही माया जी, मैं हाजिर हूँ, बताइए क्या सेवा करूँ। जय हिंद। चार पांच सवाल हैं हकीम जी, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ, एक तो मैं दवाई खा रही हूँ 6 महीना से आपके, 6 महीना से ओसियागोंद खा रही हूँ, तो फर्क तो है मुझे, पर वो मतलब जैसे दर्द की दवाई नहीं लगूँ तो फिर ज्यादा बढ़ जाता है दर्द। कितनी बार लेते हैं पहले से? अब मैं पहले ज्यादा लेते थे, अब कम लेते हैं दर्द की दवा? मैं 1 ग्राम ही लेता। हाँ, पहले 2 टाइम लेती थी, अब 1 टाइम लेती हूँ। ठीक है। हाँ, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरा बड़ा लड़का है, उसकी कमर में दर्द रहता है और वो क्या दोनों पैरों में मोच चली गई, तो उसके लिए भी मैंने मंगाया है ठीक है। सियागोंद मंगाया है, और एलर्जी थी तो सफेद गोंद बोलते हैं मोहिंद्रा, वो मंगाया है, ठीक है तो एलर्जी में तो बहुत फायदा है उसे, जी। और कमर में दर्द में फायदा है, पैर में अभी ना है, 1.5 महीना है वो खाते भाई उसे, ठीक है ठीक और अपने पति के लिए भी मंगाया मैंने, घोटू दुखते जो उनके, तो उन्हें 1.5 महीना है वो खाते हुए, फर्क तो है पर मतलब अभी बंद नहीं है, खा रहे हैं दवाई दोनों। ठीक है ठीक है ठीक है। और एक लड़का है मेरे बीच वाला, उसके एलर्जी थी हाथन पे, जैसे दाने दाने निकलते खून निकलते उनमें, तो उसके लिए गोंद और अलसी आप बता रहे थे एक को, तो वो पीस के और एक चुटकी सुबह शाम और एक चुटकी वो क्या नाम है खाना सोडा मिला के देती हूँ, तो उसे भी आराम है। तो बहुत बढ़िया। और एक छोटा लड़का है, उसके कंधा में थे ये कोठा होता है ना, जो कोठा वो ऐसे निकल जाता था पहले, अब निकला तो है नहीं, वो डॉक्टर बोल रहा था कि मांस फट गया है और इसके वो ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो उस दिन मैंने आपके वहाँ हेल्पलाइन में फोन करके फिर वहां से मैंने दवा मंगाई, तो उनने वो भेजे कैप्सूल, एस्केर कैप्सूल भेजे थे, 3 महीना की दवाई भेजी है उन्होंने। हाँ, कंधा तो नहीं निकला ना? निकला नहीं है, दर्द रहता है, सूज रहा है, पूरा हाथ सुन्न हो जाता है, तो वो बोले कि मतलब 3 महीना चलेंगे ये, 1.5 महीना खा के देखो आराम मिलेगा, फिर 1.5 महीना खा, 3 महीने के खिते भेजे, ठीक है ठीक है। और अब वो खा रहा है लड़का, उसे 8-10 ना हो गए, तो अभी तो मतलब उनकी देसी दवाई ये टाइम लेती है बेटा, आराम से वाते ले दवाई, ठीक और है ये ठीक। उसके लिए भी मंगाया है मैंने गोन मोरिंगा, उसके सिर में वो एलर्जी रही थी बहुत, तो उसे भी ले रहा है, तो मैं गरीब में अब तीनों चारों मास सब हम दवाई खा रहे हैं आपकी, अब ये है मुंह तो है वो खैर ज्यादा टाइम, ये नहीं तभी थोड़ा हुआ है, पर मुंह दे बहुत आराम है, बस थोड़ी ऐसे ये टाइम पे दवाई तो लेनी पड़ रही है अभी दर्द की। तो ये बताइए, वेस्टर्न टॉयलेट तो है ना घर में? हाँ, तीन तीन बने, तीन तीन है। तीन तीन है भाई। वाह, देखिए आप हर चीज़ पर पूरी तवज्जो दे रहे हैं, इसलिए आपके तमाम रोगों में फायदा हो रहा है। और ऐसे ही हर चीज़ पर अगर तवज्जो दी जाए तो कोई वजह नहीं कि फ़ायदा ना हो। असली दवा मिल गई है, भगवान का शुक्र है। और आपको अगर कम फायदा भी है तो आगे जाके पूरा फायदा हो सकता है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि सभी को तकरीबन फायदा है। और यूनानी दवाएं थोड़ा टाइम लेती हैं, आपने बच्चों को से सही कहा। और कोई और भी इलाज इसके साथ आप एलोपैथिक दवा की कभी भी ज़रूरत पड़े तो ले सकते हैं, इसे छोड़े नहीं। और आपको हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, और मेहनत तो नहीं कर रहे आप, वजन तो नहीं उठा रहे, झाड़ू पोछा तो नहीं कर रहे, वो नहीं करना। थोड़ा वक्त ज़्यादा लग सकता है, देर लग सकती है, लेकिन दुरुस्त होना मुमकिन है। आपके तमाम घर वालों को बहुत अच्छा लग रहा है कि जिसको भी आपने दवा दी उसको फ़ायदा हुआ। मैं दुआ भी करूँगा कि अगर दवा में कुछ कसर रह जाए तो दुआ से भगवान आपको अच्छा कर दे। जी,